हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में पूछे गए नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन पेपर की, जो कि आरजीएचएस पैटर्न की बात करेंगे। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे 2018 में जो पूछा गया था क्वेश्चन पेपर नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का पेपर जो होता है कंबाइंड पेपर आता है आपका 80 मार्क्स का रहता है, जिसमें रिसर्च 40 मार्क्स का रहता है और स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर भी 40 मार्क्स का आपका रहता है। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो रहता है आपको 30 मार्क्स का रहता है और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी 10 मार्क्स का रहता है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका बनाया जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस, आपका 50 मार्क्स का है। और सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज जनरली प्रीफर्ड इन कंपेरिजन टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स ऑफ सेलेक्टिंग सिंपल रैंडम सैम्पल। तो यहाँ पर 50 मार्क्स का ये भी है, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सेकेंड शॉर्ट नोट आपको लिखना है आंसर एनी वन, यहाँ पर ऑप्शन है, आपको किसी एक का ही आंसर देना है। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल विद सुटेबल एग्जांपल। सेकंड मींस फोर्थ है आपका व्हाट इज नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस। यहाँ पर टू क्वेश्चन है, मीन्स 5-5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो 10 को यहाँ पर 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और 30 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मीन्स टोटल 40 मार्क्स का आपका नर्सिंग रिसर्च का पेपर आता है। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर आपका 40 मार्क्स का होता है। 3 आवर्स में भी आपको दोनों कंप्लीट करने रहते हैं, मीन्स रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स दोनों आपको लिखने रहते हैं। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको सेपरेट आंसर बुक भी यूज करना रहेगा, रिसर्च आपको अलग कॉपी में लिखना रहेगा और स्टैटिस्टिक्स आपको अलग कॉपी में लिखना रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, वेरियस स्टेप्स आपको लिखना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। सेकंड है राइट अ नोट ऑन इनोवा, इनोवा के बारे में डिटेल में आपको लिखना है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस आपका 7 मार्क्स का है और इनोवा 8 मार्क्स का, मीन्स टोटल यहाँ पर 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज ऑफ द मदर इन ईयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड वेट ऑफ द रिस्पेक्टिव न्यूबॉर्न, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशियंट एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। आपको कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशियंट निकालना है और इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को। ये आपका 50 मार्क्स का है, आपको अच्छे से करना है। मीन्स 30 मार्क्स का आपका यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट नोट आपको लिखना है जो कि 10 मार्क्स का है, किसी भी एक पर लिखना है आपको शॉर्ट आंसर, मीन्स 1 ही करना है इसमें। कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग पल्स रेट्स पर मिनट फॉर 10 स्टूडेंट इन अ क्लास। पल्स रेट दिया हुआ है आपको, मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है इसमें, 10 मार्क्स का है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, पी वैल्यू, इन सब के बारे में नोट लिखना है आपको। तो ये भी 10 मार्क्स का है, इसमें से आपको 1 ही करना है थर्ड और फोर्थ में से, शॉर्ट नोट किसी एक पर ही लिखना है और लॉन्ग आंसर में आपको दोनों करने हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर है आपका, जो कि ये भी 40 मार्क्स का आता है। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है जो कि कंबाइंड आता है रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का। तो ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 2018 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।